Let's listen in to the politics that has been taking place right up to the build-up of the Prime Minister's speech that will happen in some time from now at about 4 p.m. today, and how the politics around Rahul Gandhi's speech in the face-off over the decision to expunge key portions of it, including his Hindu Hinsa Bab, his remarks on Agniveers, and his comments on Ayodhya as well. आप इस तरीके से किसी की भी आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ये आस्था सदन में बैठे लोगों की ही नहीं है, देश भर के लोगों की है। देश भर में एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो शिव भक्त है, मैं खुद उनमें से एक हूँ। जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर को बार बार उठाकर आप ताना ही कस रहे थे ना, आप तंज ही कर रहे थे ना कि भगवान शिव ने बोला डरो मत, डराओ मत, जिस तरीके से जिस अनादर के साथ आप उनकी तस्वीर को रख रहे थे, उसके ऊपर कागज पत्री रखी जा रही थी, किस तरीके की आपकी आस्था है ये और किस तरीके से आप लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे, ये कतई कोई भी शिव भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको अगर भैया एलओपी के नाते अगर आपको बातों को रखना है तो आप तथ्यों के साथ रखिए ना। जिस तरीके से हर विषय पर इन्होंने भ्रमित करने का काम किया, चुनाव में भी इन लोगों ने यही किया। बट राहुल जी, व्हाट राहुल जी सेड इन द हाउस, द सेक्युलर पीपल आर नोइंग दैट, बट द कम्युनल कम्युनल Hindus means BJP and RSS, they are feeling that. So we are the real Hindus. The Indian Hindus are secular, but these people spreading the communalism to the entire Hindu community. But they are the Hindus are not accepted. The Lok Sabha election, even Ayodhya, also proved that. Rahul ji expressed his views. What is wrong? राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं के बारे में, हिंदू समाज के बारे में कोई भी गलत वक्तव्य नहीं किया। ये जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो संसद में बैठे थे, अगर उनके कान साफ हो गए तो और ठीक से सुना होगा, तो फिर एक बार वो सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं, और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदू समाज की व्याख्या बहुत बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आई। नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, जो बीजेपी 10 साल से इस देश में कर रही है। आतंकवादी कहना, हिंदू टेरर कहना, सैफरन टेरर कहना, हिंदू तो आइसिस बोको हराम है, राम मंदिर का और प्रभु श्री राम के अस्तित्व का विरोध करना, कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया था अर्जुन को ये कहना, सनातन समाप्ति से लेकर सनातन बीमारी है कहते कहते आज लोकतंत्र के मंदिर में ये कहना कि जो लोग भी अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा 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 नफरत 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 फैलाते हैं, क्या ये किसी और धर्म के अनुयायियों के बारे में कहा जा सकता है? दूसरे धर्म के विषय में तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर हिंदू टेररिस्ट, हिंदू हिंसात्मक, करोड़ों हिंदुओं की आस्था जिस प्रकार से आहत की गई है, इसका माकूल जवाब हिंदू समुदाय, हिंदू समाज के लोग तो देंगे ही, पर राहुल गांधी को बताना चाहिए कि ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत के भाईजान।